अच्छा सब कुछ बढ़िया ना। ओके तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बहुत दिनों के बाद, मतलब सदियों बाद मैंने वापस से आपके लिए टेक न्यूज वाला एपिसोड सोचा के चालू कर दूं। आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे थे, तो फाइनली टेक न्यूज हैशटैग कितना हुआ था 12 में आपका स्वागत है। कुछ ताजे ताजे टेक न्यूज है जो कि मैंने आपके लिए छान के लाया हूं, और चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। ओके, तो बकवास को थोड़ा साइड में करते हुए अगर सबसे पहले टेक न्यूज की बात करें तो बेसिकली ये कोई टेक न्यूज तो नहीं है, बस आपके लिए एक सावधानी है, वार्निंग भी आप इसे या फिर वार्निंग भी आप इसको बोल सकते हैं। दोस्तों 33 लाख के आसपास कुछ Xiaomi के फेक प्रोडक्ट्स पाए गए हैं बेंगलुरु और चेन्नई में, तो आपके लिए बहुत बड़ी एक वार्निंग है कि दोस्तों ऐसे ना फेक प्रोडक्ट्स तो हर एक जगह पे आपको मिल जाएगी, तो कोशिश कीजिए कि उन्हीं के कुछ ऑफिशियल स्टोर वगैरह से खरीदने की, तो आपको फेक चीजें नहीं मिलेंगी। ओके, दूसरी टेक न्यूज की बात करें तो यहाँ पे वो आता है गूगल पे की तरफ से। दोस्तों वैसे गूगल पे की तरफ से कोई न्यूज नहीं, मैं बस आपको बता रहा हूँ गूगल का एक ऐप है गूगल पे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं, और हाल ही में तो कुछ ऑफर वगैरह भी इसका चल रहा था, कुछ इंडिया टूर वगैरह करके इसका कुछ गेम वगैरह चल रहा था। तो वो जो गूगल पे ऐप है उसके अंदर एक खासियत है, मतलब आप जब भी उससे कुछ पेमेंट वगैरह करते हैं तो वो ना कुछ कुछ पैसे आपके दिल रखने के लिए ऐसे मतलब कैशबैक कर देता है, और हम जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हाँ, तो उसी से रिलेटेड कुछ अर्निंग ऐप टाइप सा कुछ बना रहा है गूगल हमारे लिए, जिसका नाम है टास्कमेट। दोस्तों यहाँ पे कुछ टास्क गूगल आपको डेली के डेली देता जाएगा, और आप जब भी उन टास्क को कंप्लीट करेंगे तब आपको पैसे मिलेंगे। छोटे छोटे अमाउंट हो सकता है, बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, अभी तो कुछ कंफर्मली पता नहीं है, लेकिन हाँ पैसे आप थोड़ा बहुत कमा जरूर सकते हैं। इसके बाद तीसरे टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पे आता है सैमसंग का गैलेक्सी S सीरीज। या दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा था S20, S20 प्लस, S20 प्लस फैन एडिशन। क्या दोस्तों यहाँ पे और एक चीज कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे जो इंडिया के अंदर S21 सीरीज आने वाला है वो भैया सारे के सारे 5G फोन्स होंगे, कोई भी 4G नहीं होगा। ओके, तो चौथा टेक न्यूज निकल के आती है हमारे इंडिया का मे बी चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन, यानी कि मोटोरोला का G5G के रिगार्डिंग। दोस्तों बेसिकली ये जो G5G स्मार्टफोन है ये यूरोप पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और वहां पे ना स्नैपड्रैगन 750G पे लॉन्च हुआ है, और मे बी अपने इंडिया में भी ये 750G पे ही आ जाए। दोस्तों ये जो फोन है ये लगभग आपको 20,000 के अराउंड आपको मिल जाएगा, तो देखते हैं 20,000 के अंदर अगर 5G स्मार्टफोन वो भी स्नैपड्रैगन 750G पे आ जाता है धमाल हो जाएगा भैया सही में। हाँ, तो वन प्लस के लिए कौन कौन रुके हुए हो? कोई नहीं, चलो मेरा काम है बताना, मैं बता देता हूँ। वन प्लस 9 प्रो का कुछ लीक या फिर रेंडर भी आप इसको बोल सकते हैं निकल के आ चुके हैं। दोस्तों कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपको कर्व्ड 120 हर्ट्ज के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, और जो रेयर साइड में कैमरा होता है यहाँ पे आपको दो बड़े बड़े कैमरास मिलेंगे, यानी कि 48 प्लस 48 मेगापिक्सल का। नहीं समझे, मतलब कि प्राइमरी सेंसर भी 48 मेगापिक्सल का रहेगा, और जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है वो भी 48 मेगापिक्सल का रहेगा। अभी देखते हैं क्या कुछ होता है फोन के साथ, और लॉन्चिंग की बात करें तो लगभग ये मार्च 2021 में कहा जा रहा है कि लॉन्च हो जाएगा अपने इंडिया में। अच्छा, नेक्स्ट टेक न्यूज की बात करें तो वो आता है वीवो के V20 प्रो के बारे में। V20 तो आ गया था, अभी और एक खूबसूरत स्मार्टफोन आने वाला है वीवो V20 प्रो। तो अगर आप एक सुंदर सा उसके साथ कैमरा खतरनाक वाला एक स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे तो मत ढूंढिए, आ गया आपका Vivo V20 Pro। वैसे ये जो फोन है ये लगभग अगले 8 से 10 दिनों के अंदर ही अपने इंडिया में हो जाएगा लॉन्च। नेक्स्ट टेक न्यूज दोस्तों यहाँ पे Realme के X7 सीरीज के बारे में। जी दोस्तों बहुत दिनों से हम लोग लगातार वेट कर रहे हैं, अब आएगा। फाइनली ये BIS सर्टिफिकेशन में हो चुका है लॉन्च, यानी कि BIS सर्टिफिकेशन में लॉन्च होने का मतलब तो आपको पता ही है, अगले 2-3-4 हफ्ते के अंदर ये फोन सराक करके अपने इंडिया में एंट्री मार देगा। दोस्तों यहाँ पे आस्क मी एनीथिंग करके एक एपिसोड होता है जिसके अंदर अनुज शर्मा और मनमोहन, उन्होंने उस वीडियो में बताया था कि हम लोग पोको के F सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पहले ये भी कंफर्म कर दिया था कि F2 प्रो, पोको का F2 प्रो अपने इंडिया में नहीं आएगा, तो आपको समझ आ गया कि ये लोग F2 की ही बात कर रहे थे। तो बस दोस्तों ये देखते आज का पूरा वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो जो है काफी पसंद आएगा। अगर वीडियो को पसंद आया जल्दी से कर दीजिए एक लाइक, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा वीडियो, और कोई भी अगर क्वेश्चन आंसर कुछ भी हो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करना मत भूलना, वरना तो आपका पेट खराब हो जाएगा। चलता हूँ।